हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब। तो अभी मैं पूरी तरीके से थक गई हूँ, क्योंकि तिलक सेरेमनी जिस होटल में था उस होटल से हम लोग दूसरे होटल में लौटे। तो आप मेरे चेहरे को देख के पहचान गए होंगे कि मैं एकदम थक चुकी हूँ। तो ये वीडियो तिलक सेरेमनी की बाद की मैंने जितनी क्लिप्स अपलोड करके रखी है मैं सभी इस वीडियो में अपलोड करूँगी। और कल रात से हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं और अभी 7 बजे हमारी ट्रेन फिर से है, तो हमें फिर घर लौटना पड़ेगा। तो इस वीडियो को आप पूरी तरीके से देखिए, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये इटारसी का वो होटल है जिसमें हम लोग रुके थे। हम लोग टोटल 13 लोग थे और हमारा बैग 17-18 बना था, तो ये रूम में रुके थे। और तिलक के लिए पूरे सामान यहाँ पे दीदी और मामी मम्मी लोग मिल करके सेट कर रहे हैं। इसमें लड़के के लिए सारे कपड़े, उनकी ज़रूरतों का सामान, साथ में उनके परिवार के लिए सभी सामान दिया जाता है। मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी हूँ और कौन क्या कर रहा है उनकी क्लिप्स अपलोड कर रही थी। रेडी होके बाद मैंने ये मम्मी की मामी की पूरे सर से लेकर के पांव तक की वीडियो बनाई है, क्योंकि उन लोग मेरे को बोल रहे थे कि तू हम लोग का भी पूरा वीडियो बना, क्योंकि ये पल यादगार रहता है दोस्तों। तो अमोर तो नहीं बना था, मैंने हर एक व्यक्ति का पूरे सर से लेके पांव तक जो वो तैयार किए थे उनका वीडियो बना है। लास्ट की दीदी है, बीच का जो वीडियो बनाया वो मेरी मामी थी। उसके बाद तिलक के लिए भैया पैसा कलेक्ट करके रख रहे थे, तो तिलक में टोटल 2 लाख रुपए दिए हैं। और लड़के लोग की तरफ से कोई भी मांग नहीं थी दोस्तों, क्योंकि लड़के लोग खुद एक संपन्न परिवार से थे, लेकिन हम लोगों की तरफ से हमने 2 लाख रुपए दिया था। रेडी होने के बाद अब हम आ गए दूसरे होटल में, जहाँ पर जीजू ने तिलक समारोह के लिए एक अलग से हॉल बुक कर रखा था। ये समारोह 2 से 2.5 घंटे तक चला और इस पूजा में जीजू के साथ दीदी के बड़े भैया बैठे थे तिलक के लिए। इसमें जीजू के फैमिली की तरफ से उनके चाचा चाची मामा मामी शामिल हुए थे, उनके दोस्त भी आए थे। और हमारे परिवार की तरफ से दीदी के बड़े दीदी, उनके जीजा जी, फूआ फूफा यानी के फिर मम्मी पापा, मैं 12 पूरे सफ़र करने के बाद इवनिंग पूरी तरीके से मैं थक गई थी। मेरा आँख इधर गया था, फिर भी मैं फिर लेकर ही रिकॉर्ड करने पा रही हूँ। उन लोगों की तरफ से रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा तैयारी कर रही है। मैं यहाँ पे सभी का वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। सूच गया था, बाकी लोग नहीं आए थे, इसलिए चेयर खाली थी। पीछे पूरे परिवार के लोग बैठे हुए हैं और का ऑफिस कुछ जरूरी काम था, इसलिए बार बार कॉल आ रहा था। कॉल ऑफिस में वो रेलवे में वो तो पायलट हैं और कुछ दिन पहले उनका प्रमोशन हुआ है। तो जीजू का नाम कृष्णा रॉय है, तो मेरे जीजू आपको कैसे लगे जरूर बताएं। सीधे साइड है वो जीजू है और उनका शादी हो रहा है। कपड़े दिए जाते हैं और तिलक की डिमांड भी रहती है बहुत से लोगों में, परंतु लड़के वालों ने यहाँ तिलक के लिए कोई डिमांड नहीं किया था, फिर भी 2 लाख रुपए मामी लोग दे रहे हैं। सभी घर के लोग बहुत बिजी थे। मेरे पापा मेरे भाई के साथ बैठे हैं, पीछे में पीछे मेरी मम्मी बैठी है। यहाँ लड़के बाहर समारोह में 2 पान भी मंगवाया जाता है। लड़के को खिलाते हैं और लड़की के लड़के को खिलाते हैं, मतलब अपने सारे साथ इस तरह का ये होता है। और आखिरी में प्लेट में पैसे सजा करके दामाद को दिया जाता है। ये एक तरह का नियम है, ये तो दहेज का कोई इसमें बात नहीं होता। लोग ये तिलक समारोह लड़के के घर में होता है, इसके लिए हम मिसलापुर से पिपरिया मध्य प्रदेश इटारसी गए हुए थे।
अपने के ही इसमें पकड़ लिया थोड़ा थाली थाली पकड़ लिया इस दिन के मैंने फोटो उस अपलोड करके रखी है जो आप देख सकते हैं। ये उनकी दादी है, ये मेरे जीजू जी हैं, ये जीजा जी और मेरे भैया हैं। ये पूजा के समय का फोटो है और इस तस्वीर में मैं, मेरी दीदी, मेरे भाई और जीजा जी हैं। इस होटल के नीचे फ्लोर में जीजा जी ने बुफे रखा था जिसमें सबसे पहले पंडित जी आकर के खा रहे हैं। यहाँ पे हम सब बैठकर खा रहे थे मेरी मम्मी और मेरे छोटे भाई के साथ। होटल के नीचे फ्लोर में उन्होंने खाने के लिए प्रबंध रखा था और जो होटल का बीच वाला फ्लोर है उसमें पूजा रखी थी। सभी लोग यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। खाने में सभी कुछ आइटम था जो रहना चाहिए। और ये आखिरी फोटो है होटल के बाहर गार्डन की। उसके बाद हम लोग लौट आए घर के लिए, जिसकी ट्रेन 7 बजे थी। ये सुबह का वीडियो है जो गोरेला पेंड्रा के पास अमरकंटक की जो पहाड़ी है, जो पहाड़ है उसके पास का ये वीडियो है, जो बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है। सभी परिवार के लोग उसलापुर में उतर गए और मैं उसी ट्रेन से आ गई दुर्ग, क्योंकि मेरा पढ़ाई बहुत दिन से रुका हुआ था, तो इसीलिए मैं 1 हफ्ते के लिए यहाँ दुर्ग में आ गई हूँ। उसके बाद फिर 1 हफ्ते बाद 9 तारीख को शादी है, तो मेरे को फिर जाना पड़ेगा। इस पूरे 3 दिन में मैं बेहद ही थक गई थी और उससे ज़्यादा तब जब उसलापुर से दुर्ग के लिए आई तो पूरा ट्रेन 1.5 से 2 घंटे आ गई। यही रहते हैं यार। और अभी मैं बहुत कोशिश करके बना रही हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।